कल शाम में फोर रॉबरी गैंग मेंबर्स को कल शाम में 5 बजे अरेस्ट किए। उनका नाम है रमावत लक्ष्मण और बाद में दूसरा नाम है कदरावत तिरुपति और वैदित्य बाबू और कोर्रा शंकर। ये चारों रॉबरी के गैंग मेंबर्स हैं। इनको चारों को गिरफ्तार करें और उनको गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करें, इंट्रागेशन किए। इंट्रागेशन में उन्होंने 6 ऑफेंसेस को कबूल किए, 6 रॉबरीज करे ऐसे कबूल किए। और ये 6 रॉबरी में अपने सैदाबाद पुलिस स्टेशन में 2 है, सरूर नगर पुलिस स्टेशन में 1 है और हयात नगर पुलिस स्टेशन में 1 है और चैतन्यपुरी में 2। ये गैंग अक्टूबर से अभी तक 6 ऑफेंसेस किए हुए हैं। चार भी इधर नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट के हैं लेकिन टेम्पररीली अभी हयात नगर में है। उनको हयात नगर में ही गिरफ्तार करा गया है। तो ये रॉबरी का गैंग का एमओ ये है कि इसमें से नंबर 1 A1 जो रामावत लक्ष्मण है, इन्हों मास्टरमाइंड है। इन्हों क्या करते हैं, इनके पास ये ऑटो ड्राइवर काम करते हैं। तो जहाँ भी ये टाड़ी के कॉम्पाउंड है वहाँ उन्हों वेट करते रहते कि जो लेडीज टाड़ी पीने के बाद जब बाहर आते तो जब ऑटो के वास्ते ढूंढते तो जब इन्हों सडनली उधर आ जाते, वहाँ ऑटो वहाँ वेट करते रहते बाहर में। जब वो लेडीज ओनली लेडीज जब टाड़ी कंपाउंड में से पीने के बाद बाहर निकलते तो जब उन्हों ऑटो उधर ला लेते और उनको बिठा लेते। बिठाने के बाद उन्हें एक बोल तो एक थोड़ा दूर उधर वो डायरेक्शन में जाने के बाद और डायरेक्शन चेंज कर लेते। चेंज करने के बाद आउटस्कर्ट्स में लेके जाते, एक बार उधर एलबी नगर तरफ, एक बार नादरगुल तरफ, अभी ऐसे आइसोलेट प्लेस को लेके जाते। लेके जाने के बाद जो उन ऑलरेडी जो टाड़ी लेने से थोड़ा सेमी कॉन्शियस में रहते थे तो उनको डरा धमका के उनके पास जो भी गहने हैं और सिल्वर के एंकलर थे वो दोनों भी चोरी करते हैं। उनके पास अगर कैश भी है तो वो ले लेते। ले लेने के बाद उनको वहाँ छोड़ देते, छोड़ दे के बस चले जाते। तो ऐसा हमारे पास भी एक ऑफेंस 2/5/2016 को यही महीने में 2 को एक ऑफेंस हुआ। यहाँ अपना चंपापेट टाड़ी कंपाउंड के पास एक कंप्लेनेंट और उसके साथी दोनों मिलकर, वज्रमा बोल के कंप्लेनेंट और दोनों मिलके जब टाड़ी कंपाउंड से बाहर निकले तो ऑटो आ गया। तो उसमें A3 A4 जो वैद्य बाबू और कोर्रा शंकर थे, ये को पैसेंजर था और ये A3 था, उन्होंने चला रहे थे और उन्हें बोले कि अपन कुछ हमको जय हिंद होटल लेके जाओ। तो जय हिंद होटल के लेके जाने के बजाय और नादर को लेके गए। उनके पीछे और एक ऑटो में ये A1 लक्ष्मण और तिरुपति दोनों उनके पीछे गए। नादरगुल जाने के बाद वो दोनों के पास से उनके पास से गहने और सिल्वर एंकलेट्स और कैश जो था 18,000 कैश था और 75 तोला सिल्वर था, एंकलेट्स थे वो इसमें पट्टी और 4 तोला के गोल्ड चेन्स थे दोनों के पास। तो उनके पास से छीन लिए, उनको छोड़ दिए। तो उन्होंने थोड़ा सेमी कॉन्शियस में थे तो रात में उधर ही थे उन्होंने। तो सुबह आके हमको पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिए तो हम सीसीटीवी फुटेज के आधार पे इन्फॉर्मेशन निकाल के अभी कल 5 बजे हम उनको चारों को गिरफ्तार करें और इसमें हम 60 ग्राम्स गोल्ड को भी रिकवरी करें, उसके साथ साथ 50 ग्राम कम 2 kg सिल्वर को भी बरामद किए, उसके साथ साथ 10,600 कैश और 2 ऑटो जो ये ऑफेंस करने में जो इस्तेमाल किए वो दोनों ऑटो भी बरामद किए और उसके साथ उनके जो पास जो सेलफोना थे 3 वो भी बरामद किए। सो इनको अरेस्ट करके ये पूरा बरामद किए और उनको हम आज जुडिशियल कस्टडी को मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करेंगे, जुडिशियल कस्टडी को भेज दें। सो अभी मतलब अभी 60 ग्राम्स गोल्ड है, करीब 2 kg 50 ग्राम कम 2 kg सिल्वर है और 10,000 कैश है। अभी मतलब 160 प्लस रफली अबाउट ये ऑटोज तो हम उसका वो भी सीज करे तो पूरा मिलके 3.5 लाख का पूरा रिकवरी होगा। कितने वर्ष में कंप्लेंट के बाद में कितने वर्ष में लोग पकड़े? हाँ नहीं तो हम कही कल ही तो अरेस्ट करिए हुआ एक सेकंड 2 तारीख को एक हुआ और बाद में एक हुआ 26 तारीख को एक हुआ 2 तारीख को एक हुआ 2 तारीख को लास्ट हुआ। तो उसके बाद हम इन्फॉर्मेशन निकाल के उनको पकड़ना और कल अरेस्ट किए इन्फॉर्मेशन के बाद। तो इसमें हमारा सीसीटीवी फुटेज का बहुत अच्छा काम आया और हम
सभी लोगों से अपील करते हैं कि जहाँ भी कम्युनिटी को अपील करते हैं कि सीसीटीवी लगवाओ, तो हमको क्राइम कम करने में बहुत मदद मिलता है, क्राइम डिटेक्ट करने में मदद मिलता है और क्राइम कम करने में मदद मिलता है। तो हमारा अपील है कम्युनिटी से कि भाई जहाँ भी रहो सीसीटीवी लगाओ। सर, इनके महबूबनगर में कोई केसेस है? ये अभी तो हमारा इंक्वायरी में खाली 6 केसेस हमको इंटरोगेशन मिला, हम देखेंगे और पुलिस कस्टडी लेंगे तो और फिर थोड़ा एग्जामिन करेंगे और वेरीफाई करेंगे, क्योंकि अभी हमको टाइम कम मिलता बिकॉज 24 आवर्स में हम मुस्लिम को मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना पड़ता, जो भी 24 आवर्स में कर सकते वो हम करें, बाद में जो हम कस्टडी को लेंगे तो फिर और इंटरोगेट करेंगे, और बाहर के भी कोई है और कुछ है तो डेफिनेटली उसके बारे में भी जांच करेंगे और उसके बारे में भी एक्शन लेंगे। थैंक यू।